बिग बॉस के घर में खुशियां ही खुशियां हैं क्योंकि फैमिली वीक चल रहा है। जी हाँ, इस फैमिली वीक में तेजरन को अपनी अपनी फैमिली से कैसा रिस्पांस मिला है उनके रिश्ते को लेकर, चलिए आपको बताती हूँ। वी ऑल नो कि घर के अंदर तेजरन जब से बना है तब से सारे फैंस इस बात को जानने के लिए काफी क्यूरियस है कि आखिर तेजस्वी के पेरेंट्स का करण कुंद्रा को एज अ दामाद देखने का क्या प्लान है, और वही करण कुंद्रा की फैमिली का क्या कहना है तेजस्वी प्रकाश को एज अ डॉटर इन लॉ देखने का। अब ये सवाल तो हर कोई पूछना चाह रहा था, लेकिन अब फाइनली ये खुद अपने फैमिली से ये सवाल पूछ सकते हैं। घर के अंदर राजीव अदातिया आए हैं एज अ अगेन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि री एंट्री के बाद वो खुशियां लेकर आए हैं घर में। एक सर्कस का माहौल बनाया गया है घर में, जहां पर एक टास्क के दौरान आपको मौका दिया जाएगा अपने घर वालों से एक स्पेसिफिक टाइम तक बात करने का। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सभी कंटेस्टेंट्स को मौका मिला अपने अपने घर वालों से बात करने का, जहां तेजस्वी ने भी अपने घर वालों से बात की। तेजस्वी के फैमिली को उनके भाई को इम्प्रेस करने के लिए करण कुंद्रा निशांत भट्ट से मराठी सीखते नजर आए। जी हाँ, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि तेजस्वी पंजाबी सीखती नजर आ रही थी, और अब करण कुंद्रा मराठी सीखते नजर आए ताकि वो मराठी में तेजस्वी के पेरेंट्स से बातचीत कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रोमो में कल के दिन हमने देखा था कि करण कुंद्रा की फैमिली ने तो तेजस्वी को पार्ट ऑफ द फैमिली कह दिया था, वहीं आज एक प्रोमो रिलीज हुआ है जहां तेजस्वी के भाई प्रतीक नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रतीक के साथ करण कुंद्रा की काफी ज्यादा मस्ती भी हो रही है, और करण ये भी कहते नजर आए तेजस्वी के भाई प्रतीक को कि भाई इतने सालों तक तूने इसको कैसे झेल लिया। जिसके बाद प्रतीक ये भी कहते नजर आए कि घर में सभी ने करण को एक्सेप्ट कर लिया है और मम्मी बहुत ही खुश है करण से, करण को बहुत पसंद करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली की तरफ से दोनों को ही, यानी कि कुंद्रा फैमिली की तरफ से और प्रकाश फैमिली की तरफ से, एक अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। आपकी इस बारे में क्या है राय, बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में।